आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। जब मैं बहुत छोटा लड़का था, कुछ 8-9 साल का लड़का था, तो मेरे नाना मुझे गाड़ी में डालते थे और कहते थे चलो जाते हैं। और जब मैं पूछता था कि कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहते थे बिरयानी लेने जाते हैं। उसी जगह मैं आज पहुँचा हूँ जहाँ मैं बचपन से बिरयानी लाता था। वो जगह है जाफरबाई दिल्ली दरबार, और हम आज सीखने वाले हैं कि बिरयानी कैसी बनती है। तो चलो देखते हैं खाने में क्या है। मैं पहुंच गया हूं जाफरबाई के सेंट्रल किचन में। आप देख रहे हो हर जगह बड़े बड़े डेग हैं। यहाँ कुछ डेगों में चाप पक रहा है, कुछ डेगों में निहारी बन रही है, ब्रेकफास्ट का खीमा बन रहा है, लेकिन हम आज यहां आए हैं बिरयानी बनाने। और बिरयानी बनाने के लिए मेरे साथ है जाफरबाई के बेटे हसन। हसन हाय, हाउ आर यू? 10 साल पहले मैंने जाफरबाई के साथ, जो अब नहीं है हमारे साथ, उनके साथ बिरयानी बनाई थी, द बेस्ट बिरयानी इन द वर्ल्ड एज आई कॉल इट। अब 10 साल बाद हसन उन्हीं का काम चला रहा है और उनके साथ हम सीखने वाले हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट बिरयानी कैसे बनती है। देयर इज मीट इनसाइड, यहाँ पर 10 किलो गोश्त लिया हूँ मैंने। 10 किलो गोश्त की बिरयानी बन रही है। पहले मसाला मिला के इसको मैरिनेट करके रख देते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द पोटैटोस। आलू के बगैर बिरयानी में कोई मजा नहीं आता। ये जावित्री जायफल पाउडर है। जावित्री जायफल पाउडर, और ये आप ऐसे ही माप लेते हो सर? ये एक्चुअली हमारे डैडी हमेशा बताते थे, मेरे अब्बा, कि ये हमारा अंदाज होता है। ओके, जो बड़े बड़े मतलब डेगों में बनाने के लिए अंदाज रहता है। आप मेरे पूछो कि कितना ग्राम है, तो मैं शायद बता दूं 1 किलो में 20 ग्राम अपना ये जावित्री जायफल 5 ग्राम मैक्स। अभी यहाँ पर बड़ी हंडी है, तो 10 किलो के हिसाब से मेरे को अप्रोक्सीमेटली 30-40 ग्राम डालूंगा तो हो जाएगा, तो टेस्ट आ जाएगा। चलो, अंदाज से मसाले जा रहे हैं अंदर। ये जीरा है सर? जीरा, ये साबुत है, अखा जीरा है। खुशबू आती है, वेरी स्ट्रॉन्ग जीरा फ्लेवर। यस यस, वही फ्लेवर देता है सर बिरयानी जीरा। मसाले वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, गोश हो गया, आलू हो गया, जावित्री पाउडर हो गई और जीरा हो गया। अब सर ये इसको बोलते हैं खोपरा हमारी लैंग्वेज में, खोपरा, जिसमें इलायची, दालचीनी, लौंग, ये सब मिक्स आता है। अच्छा, उसको हमारी लैंग्वेज में खोपरा बोलते हैं, कि उस सब मिला के उसको हल्का सा कूटते, थोड़ा फ्लेवर रिलीज कर देंगे। आलू बुखारा। अच्छा, अभी आलू बुखारा होता क्या है? आलू बुखारा सर ये ड्राई फ्रूट है। हाँ, ये आप देखेंगे। हाँ, ये हल्का खटास रिलीज करता है। अच्छा अच्छा, इसके अंदर जो बादाम होता है वही है? वही है, वही है, वही सर। हाँ, खुबानी का मीठा, एप्रिकॉट, एक्चुअली एप्रिकॉट, एप्रिकॉट, यस। यानी आपने मसाले भी डाले हैं और अब थोड़ा सा मीठा डाल रहे हो अंदर। ये जीरा पाउडर है सर, ये भी फ्लेवर के लिए। थोड़ा अखा जीरा गया और जीरा पाउडर भी गया। जीरा पाउडर गया, ये सारे अपने जो ड्राई मसाले थे ना सर, जैसे अभी ये अखा मसाला हो गया, शाह जीरा हो गया, ये सब हो गया। अभी यहाँ आएंगे हरे मसाले, जिसमें ये आ गया अपना अदरक। ड्राई मसाले हो गए, अब है हरे मसाले। हरे मसाले मीन अदरक, लहसुन, ग्रीन चिली। ये देखो सर, ये जो रहता है ना ऐसा, ये अप्रोक्सीमेटली अभी 100-150 ग्राम है। 100-150 ग्राम 10 किलो के लिए? 10 किलो ये लहसुन जा रहा है। ये अंदाज मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता, नमक कितनी डालनी चाहिए? बोलते हैं नमक स्वाद अनुसार, लेकिन मुझे नहीं पता चलता सर। ये स्वाद अनुसार के अलावा ये हाथ पे जो है ना, ये हाथ जैसे अभी मेरा हाथ बड़ा है। हाँ, तो मेरा माल मैं खींच के डालूंगा। अच्छा, आपका थोड़ा लेंथ में वो है, तो आप थोड़ा और ज्यादा डालना आपको।
अब ये हरी मिर्च, ये हरी मिर्च ना फ्लेवर के लिए 100 ग्राम डालेगी ना, हाँ, बहुत होगी, बहुत। अभी ये आ गया हल्दी, हल्दी जितनी लाल मिर्च डालेगी उससे थोड़ी कम, कम। अभी आएगा फ्राइड अनियन सर, उसकी भी हमारी रेसिपी है। फ्राइड अनियन की रेसिपी है? बिरिस्ता, बिरिस्ता। तो वो हम लोग हमारा खुद प्रिपेयर करते हैं। अच्छा। एंड दिस इज कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा फ्लेवर, मतलब थोड़ा कलर आ जाए गोल्डन, हाँ, और उसके लालपन आ जाए। अब आ रहा है बिरिस्ता, बिरिस्ता जो फ्राइड अनियन होता है, जो भी यही बनता है। मेन कमाल तो सर बिरिस्ते का है, मेन कमाल बिरिस्ते का है, फ्राइड अनियन इज द की, लेमन जूस, लींबू का पानी सर, लींबू रस, लींबू का रस। इसमें अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलो दही डालेंगे अभी इसमें, यानी 10 किलो मटन में और इन मसालों में 3.5 किलो दही जाएगा। हसन, तुम ये जो ऐसे डाल रहे हो ना सर, वो हमारे डैडी का स्टाइल था। मरीन लाइंस के मस्जिद के बाहर जो दुकान है उसके फुटपाथ पर हम खड़े रह के इनके डैडी ने हमारे लिए बिरयानी पकाई थी, बिरयानी और डब्बा गोश्त, ये दोनों पकाई थी बड़े बड़े डेगची में, उसकी याद आ रही है। नाउ वी मिक्स्ड एवरीथिंग, ओके, इसको मिला देते हैं। नल भाई इसको टेस्ट करो, इसे कच्चे को ही, हाँ कच्चे, हा? को थोड़ा नमक आपको लगेगा, नमक चेक करने के लिए, चावल नहीं है, चावल नहीं। अभी इसको सही करके इस पे घी डालूंगा, फिर चावल अलग से लाके, पहले चावल को दो कनी बोलते हैं, जैसे थोड़ा हार्ड, थोड़ा हार्ड जो फर्स्ट लेयर आएगा, देन द सेकंड लेयर विल कम थोड़ा सॉफ्ट, तो वो लेयर के बाद फिर ऊपर भी घी डालेंगे, नीचे भी घी डालेंगे। अच्छा, तो दोनों जगह घी होने से क्या वो बराबर पकेगा कोल पे, वो कोयले पे ही बनेगा, और गोश्त जो है वो कच्चा ही रहेगा, कच्चा ही रहेगा जब तक बिरयानी रेडी ना हो जाए। जब तक बिरयानी रेडी नहीं हो, इसको अभी गैस पे नहीं पकाएंगे, हाँ, डायरेक्ट कोयले पे, कोयले पे पकाएंगे, कोयले पे। तो हसन एक शेर याद आ रहा है, इरशाद करिए सर, इरशाद कि क्या रखा है इश्क की कहानी में, चलो बोटियां ढूंढते हैं बिरयानी में। डाइट गई पानी में सर, डाइट गई पानी में सर। अभी इसमें ना घी डालेंगे, इसमें बिरिस्ता देखो घी में भी है अभी, हाँ, तो ये जो घी है इसी में बिरिस्ता पकाया हुआ है ना? यस सर। घी लेयर्स बन रहे हैं, लेयर्स, गोश आ गया, घी आ गया, बिरिस्ता आ गया, ड्राई फ्रूट। ये बादाम है सर, बादाम, काजू, बादाम, और ये पाइनएप्पल। अभी ये इनका सीक्रेट है, सीक्रेट है पाइनएप्पल और मिंट लीव, और मिंट लीव जा रहे हैं, पुदीना, पुदीना और पाइनएप्पल जा रहा है इसमें। और मुझे याद है मैंने जाफर भाई से पूछा था कि ये पाइनएप्पल क्यों, तो उन्होंने कहा था कि बिरयानी के 3 फ्लेवर होते हैं, एक खट्टा, एक तीखा और एक मीठा, इसलिए पाइनएप्पल। शाही जीरा फ्लेवर के लिए। तो ये एक लेयर हो गया, अभी एक लेयर जो सेट हो गया, सेट हो गया। अभी इसमें कोल डालेंगे, अभी कोल डालेंगे, कोल डालेंगे इसमें अंदर, स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। अच्छा, तो आप जब बिरयानी खाते जो एक फ्लेवर आता है, बाजू वाले को भी मालूम पड़ती है कि आपके घर में बिरयानी बन रही है, जाफर भाई की बिरयानी। अच्छा, अभी इसके बाद ये रखते हैं थोड़ा टाइम के लिए, टाइम के लिए मैरिनेट होके, फिर उसको वो जो रिंग लगी ना उधर कोयला, हाँ, उसमें जाएगा, तो चावल जाएगा। अभी आप बोल सकते हो कि ये पूरा डेग आप लगा दोगे, हाँ, इतना सारा? मैं बोला नहीं सर, छोटे छोटे ऑर्डर है, तो मैं छोटा छोटा दम में करूँगा, फिर आपको चखाऊंगा। बस वही सुनना था मुझे, आपको चखाऊंगा। खाने में क्या है आपको पता है, बिरयानी है। बिरयानी तो पक गई, बस
एक चीज बाकी है, बिरयानी को खाना। चलो खोलते हैं बिरयानी को। बादाम भी है, काजू भी है, आलू भी है। बिरयानी का गोश्त और बिरयानी के आलू, आप देख रहे हो मेरे चेहरे पे कितनी खुशी हो रही है। चलो शुरू करते हैं। मैंने गोश्त पर अटैक कर दिया पहले ही। हाँ, चावल खाने से पहले गोश्त खाता हूँ, बहुत गर्म है। पहले तो उसकी खुशबू आती है, जैसे ही आपने वो डेक खोला, जैसे ही आपने इस पर डाला तो एक रिच खुशबू आती है इसकी। मसालों की खुशबू आती है, अपने जो गरम मसाले हैं उसकी खुशबू आती है। फिर गोश्त का एक सॉफ्टनेस है इसमें। ये जो गोश्त है इतना सॉफ्ट पका हुआ है। और एक चीज़ है, आपकी जो बिरयानी रहती है ना, गोश्त हमेशा अंदर से पिंक रहता है। इट इज जस्ट ब्यूटिफुली, परफेक्टली कुक। आप खाना ही रहे हो, मैं ही खा रहा हूँ। सर, आपको मुझे खिलाने में जो मजा आ रहा है ना, वो खाने में नहीं आएगा। आप खा रहे हो, मुझे देख के बड़ा मजा आ रहा है। तीन किस्म के फ्लेवर है। आपने जो वो जो एप्रिकॉट डाला था उसका मिठास आती है उसकी। जो पाइनएप्पल है उसकी थोड़ी सी, बस थोड़ी सी मिठास। गरम मसालों का झटका जो आता है, नींबू का जो सानेस आता है, ब्यूटीफुल। दिस बिरयानी, ये तो बादशाहों के लिए बनी हुई बिरयानी। और बिरयानी का जो आलू रहता है वो अलग नहीं बन सकता, वो जो बिरयानी में ही पकता है, उसी के जूसेस के साथ, उसी के घी के साथ, उसी के फ्राइड अनियंस के साथ। तो देखो हसन, यस सर, बिरयानी खाते वक्त, बिरयानी खाने के समय मेरे दो रूल्स होते हैं। वो क्या है? पहले बार ऐसे खाओ जैसे दूसरे बार मिले नहीं, दूसरे बार ऐसे खाओ जैसे पहले कभी खाई नहीं। सर, माफी चाहता हूँ, मैं रोजा हूँ, उसके लिए आपके साथ मैं खा नहीं पाया। अरे अरे, तो मैं शाम को आना चाहिए था। नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली बार शाम को होगा, साथ में खाएंगे, साथ में खाएंगे और बिरयानी खाएंगे, इफ्तार करेंगे साथ, इफ्तार साथ में करेंगे, कोई बात नहीं। चलो, पहले तो ये बिरयानी जाफर भाई ने स्टार्ट की थी, अभी हसन संभाल रहा है। लेकिन हसन, विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू डैडी, उनकी जो बिरयानी थी, उनका जो हाथ में करिश्मा था, वो आपके हाथों में भी है। ऊपर वाले का बहुत करम है सर, और जाफर भाई का। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड्स बेस्ट बिरयानी जाफर भाई की बिरयानी। चलो खाओ। आपको खाने में आलू बुखार भी आया होगा। आलू बुखार भी आ गया, थोड़ा सा पाइनएप्पल का भी मिठास आ गई, और बोन्स भी आ गए। ये बिरयानी खा के मेरा पेट इतना भर गया है कि इसके बाद सिर्फ सोया जा सकता है। मैं सो जाने वाला हूँ। लेकिन इफ यू लाइक दिस एपिसोड, प्लीज कमेंट, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर। और हमारे साथ आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि भैया खाने में क्या है।